153 गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, हालांकि स्काई पे अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ हो चुकी है, आई कैन कंफर्म, क्योंकि मैं उठ चुका हूँ। आज है जापान में मेरा दूसरा दिन, मैं बस नहाने जा रहा था। मैं तुम्हें अपने इस होटल के कमरे की सबसे घटिया चीज़ बताता हूँ, जो जिसने पूरा मूड ख़राब कर दिया, वो है मेरा ये टॉयलेट। भाई ये इतना छोटा है, ये मेरे जैसे भारी शरीर इस छोटे से टॉयलेट पे तो बिल्कुल ना आना, बहुत अनकंफर्टेबल है ये। ये सबसे घटिया पार्ट है मेरी ट्रिप का। पर एक फन पार्ट भी है, वो है जो ये आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, बाथटब। कल भाई 15 मिनट बाथटब में गर्म पानी में बैठ के सही में फील हुआ कि यार अपने बाथरूम में होना चाहिए, बहुत रिलैक्स मिलता भाई, सारी थकान दूर हो जाती है, मैं उठने का मन ही नहीं कर रहा था। टेबल पे देखो कैसे तबाही मची पड़ी है, बेड ठीक था, अबे बहुत ना फफूंदी टाइप है ये, देखो ये पूरा अंदर तक धस जाता भाई, इतने भी सही नहीं लगते। एक तो यहाँ शोर नहीं होता बिल्कुल भी, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे तमीज नाल बैठो कि शोर ना हो जाए। और पता है सब कुछ चीज़ें इस होटल में, सारी चीज़ें इतनी कमज़ोर सी लग रही है ना कि मैं थोड़ा सा हाथ मार दूँ तो गड्ढे हो जाए हर, लाइक दीवार बहुत कमज़ोर है, एक मुक्का मारूंगा ना पार हो जाएगी। वो टॉयलेट पे डर लग रहा था मुझे तो, कि मैं बैठ जाऊँ और ये मैं किस पजल की तरह बिखर ना जाए। आराम से भाई फिसल जाता, अभी गर्म ज्यादा है पर, लेकिन अभी नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में, इतना रिलैक्स मिल रहा है ना। हाँ भाई, तो हम लोग हो गए तैयार, बन गए बाबूजी, अब चलते हैं बाहर। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं, मैं कैसे ही बाल भालू, अपने यहाँ के बंदों से तो डिफरेंट ही हैं, वो तो ऐसे बस नीचे को करके रखते हैं सारे, और फिर भी बढ़िया लगते हैं पता नहीं कैसे। 6 बज रहे हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाने का लाते हैं और खा के फिर निकलेंगे। ले मुझे ही ना दिख रहा, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत दिमाग लगा ले तू बेवकूफ। सेंसर है भाई, पहचान गई है बंदा आ गया कोई। भाई अभी तो रात ही हो रही है, गाड़ियाँ चला रखी है, लोग गर्म कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को। नहीं मेरी हैबिट नहीं है ना, मैं मास्क भी नहीं लेके आया। ये है मेरा सौदा अभी के लिए, तो उसने गर्म कर दिया ये पास्ता, ये सही है। मैं वेंडिंग मशीन देख देख के कभी नहीं थकूंगा, ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, ये देखने में मज़ा आता है क्या है उसमें। अभी देखो लाइट ना रेड हो रखी है, पूरे स्ट्रीट पे कोई नहीं है, लेकिन दूसरों को देख देख के, जापानीज़ लोगों को देख देख के इतनी आदत हो गई है कि मैं जा ही नहीं सकता, अजीब लग रहा है अब। नहीं हिलते वो, मैंने रात को मैं ट्रैवल कर रहा था जब नाइट वॉक पे था, नहीं हिलते कोई भी जापानीज़ लोग, हिलते ही नहीं है जब तक ग्रीन ना हो जाए ऐसे। नाइट वॉक करते करते ना मैंने काफ़ी कूल कार्स भी देखी थी, लोग बढ़िया बढ़िया एक्सपेंसिव कार्स ड्राइव कर रहे थे। ये आ गया भाई, अब खाना शुरू करते हैं इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। मेरे को होटल की ना खुशबू बहुत प्यारी लगती है, खुशबू बहुत सही है अपने यहाँ की, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा सा है, लाइक मेरे को इतना बड़ा शरीर लग रहा है अपना, इधर उधर घूमते रहता हूँ ना, दीवारों में बूम बाम होती रहती है। चॉपस्टिक लिए भाई, ज़िंदगी में पहली बार चॉपस्टिक यूज़ करूँगा, घर पर भी कभी नहीं मंगाया क्योंकि ये एक्सपीरियंस यहीं पर लेना था मेरे को। कितनी पॉलीथिन, कितनी प्लास्टिक, दुनिया भर का सब कुछ तो पैक है ऐसे, आई थिंक। अबे अल्लाह भाई ऐसे नहीं, मेरे से नहीं आया, इजी है, आ गया देखो। आए हाय क्या स्मेल आ रही है अजीब सी, मैं पता ही अजीबो गरीब चीज़ें एक्सपीरियंस लेने के लिए ले लेता हूँ, उसमें पसंद आती नहीं मेरे को। भाई क्लैम का पता नहीं मेरे को पसंद आएगा ही नहीं आएगा, ले तो लिया मैंने, इसीलिए वैसे मैं ड्रिंक लेके आया हूँ कि कुछ भी गड़बड़ गुड़बड़ हुई तो ये पी लूँगा, मूड सही हो जाएगा। खाते हैं भाई इसे, खाते हैं, बुरा नहीं है, सही लग रहा है यार, चॉइस सही थी मेरी। फिनिश्ड भाई, टेस्टी था ये, लेकिन मेरा तो इसी से पेट भर गया, अभी तो ये सैंडविच और ये भी रह रहा है। खुशबू तो डिसेंट आ रही है, ये एग्स हैं, ये देन हैम, एग हैम, एग हैम, ऐसे है। स्मेल तो ठीक सी है, इतना बढ़िया नहीं कहूँगा, बट एग इसमें वही है कच्चा आई थिंक, ठीक है, पर मुझे लग रहा है मूड ख़राब कर देगा ये, ऐसी पिल पिली चीज़ें पसंद नहीं है मेरे को। अब एक ये हैम वाला ट्राई करते हैं। अबे मूली जैसा लग रहा है, सही में गाजर मूली लग रहा है, तो जैसे गाजर भर दियो। हाँ अभी लगा थोड़ा अजीब सा, टेस्ट लेवल में वैसा है कि मैं इसे खा तो लूँगा लेकिन दोबारा लेने नहीं जाऊँगा। अबे वाटर बॉटल रखी है यार, सही है, मेरे को तो पता ही नहीं था, इसे इधर ही रख देते हैं। ओहो ये बढ़िया भाई, मैंने इसीलिए लिया था, इस पे लेमन लिखा हुआ था,
मुझे पता था ये मूड ठीक कर देगी, बहुत बढ़िया है। अरे भाई ये मेरे होटल में क्या रखा है? ये देखो मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और इन्होंने पूरा कवर कर रखा है, यहाँ पे कवर कर देते हैं ऐसे बीम्स लगा लगा के। पता है इवन दो आधी चीज़ों के बारे में मेरे को पता नहीं है, मेरा माइंड पता है इस तरीके से काम कर रहा है कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर कोई चीज़ ना करूं या ऐसी कोई चीज़ ना कर दूं जिससे यू नो डिसरिस्पेक्ट हो इनके कल्चर को या इन लोगों को या किसी को भी। इवन दो मुझे पता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो समझेंगे मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे को आधी चीज़ें पता नहीं है, बट स्टिल। हेलो, वी आर इन शिंजुकू भाई। ठंड तो हो ही रही है और बारिश अभी भी पड़ रही है, बट मैं एक बहुत ही प्यारी सिटी में आ गया हूँ, घूम रहा हूँ मैं। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दुनिया भर का ट्रैफिक और दुनिया भर के लोग, भीड़ भाड़ है यहाँ पे भाई। ये इतनी बड़ी सिटी है और मेरे पास एक दिन है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ नहीं आ रहा समझ में। कल वाला हाल हो रहा है भाई। अबे इतनी बड़ी जगह भाई, टॉप टॉप प्लेसेस तो चलो पता है, पर फिर भी सिटी एक्सप्लोरिंग का मज़ा ही कुछ और है जब पता ना हो कहाँ जा रहे हो तुम, राइट? रचित्रो भी जापान आया हुआ है, शिंजुकू एरिया में ही रह रहा है, उसने ही बोला था मिलने के लिए, तो उससे भी मिलूंगा, देखो कब मिलता है वो। ऐसे ही वॉक करने में मज़ा आ रहा है मुझे तो, मैं सही बताऊँ ट्रेन लेनी भी नहीं है भाई। मैं मेट्रो में था और इतनी भीड़ मुझे तो नींद आने लगी थी, मैं तो दो तीन स्टेशन और आके जाता ना मैं तो गिर जाता किसी के उस पे। मुझे इस एरिया से ना पूरी कनॉट प्लेस की वाइब्स आ रही है, हमारी दिल्ली में जो है पूरा सीपी लग रहा है अपने यहाँ का। बारिश हो रही है तेज भाई। ये देखो इसकी मैंने रील्स देखी हैं बहुत सारी, ये वही है जो थोड़ा 3D सही लग रहा है। पर यार वो रोबोटिक कुछ दिखाते ना तो ज़्यादा अच्छा था। मेरे होटल में ना अम्ब्रेलास रखी थी नीचे, मेरे को वो ले आनी थी। एनीवेज अब मैं बारिश के मज़े ले रहा हूँ, बीमार पड़ा तो देखी जाएगी। ये है काबुकिचो स्ट्रीट, आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है। ये देखो ये फूड मॉडल्स रखे हैं, आई थिंक मैंने सुना था इनके बारे में, ये बिल्कुल रियलिटिक लगते हैं भाई। मैं बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए कैफ़े में, बहुत ठंड लग रही थी बाहर, मेरे हाथ देखो लाल हो रखे हैं पूरे, कुछ ज़्यादा मीठा है, जगह सही लग रही है पर ये स्वीट सा म्यूज़िक चल रहा है, लोग नहीं हैं और थोड़ी सी गर्म है। अरे गत्तो हो जाए बस, गर्म डॉगी आ गया भाई। पत्ता गोभी है इसमें तो, और बाकी सॉसेज है, मैंने कभी नहीं खाया सॉसेज, हैम जैसा लग रहा है। ओह आया, टेस्ट आया भैया। चल दिए भाई बाहर, मास्क लगा लूँ यार। अब चेहरे पे मास्क नहीं होता ना तो ज़्यादा अजीब लगता है, इतना अंधेरा सा क्यों हो रखा है, मैं ही ज़्यादा ब्राउन हो गया हूँ। कैफ़े से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था बिकॉज गर्म थी वो, अब यहाँ ठंड लग रही है। एक और श्राइन, मुझे श्राइन्स देखना बहुत पसंद है भाई, मुझे अपने वहाँ के टेंपल्स में जाना भी बहुत पसंद है, अगर भीड़ भाड़ ना हो ना और कूड़ा का बाड़ा ना हो रखा हो तो बहुत बहुत सही लगता है। एक जापनीज कपल है यहाँ पे, उनसे पूछता हूँ अगर वो मेरी फोटो लेंगे यहाँ पे तो। अनु सुमिमा से वाताशिनो शाशिनो तोते मुरामास का। ओह एक्सक्यूज मी, आई एम कोरियन। यू आर कोरियन? कैन यू टेक अ पिक्चर? ऑफ कोर्स। जिस कपल को मैंने जापनीज में पूछा वो कोरियन निकला, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम्हारा फॉर्च्यून में गुड लक निकल जाता है उसे तो तुम अपने पास रख लेते हो, घर ले जाते हो, लेकिन अगर बैड लक निकलता है या कुछ बुरा निकलता है तो उसे बांध देते हैं ताकि वो यू नो हट जाए। भाई जब लोग नहीं होते ना हर जगह इतनी प्यारी बन जाती है, लाइक ऐसा लगता है तुम्हारे लिए है बस ये जगह,
अब वो सॉर्ट लग रही थी ऊपर। ऐसा लगता है बस कितना भी एक्सप्लोर करो तुम्हारे लिए है ये जगह भाई। इससे फोटो खिंचवाई मैंने, क्या गंदी फोटो आई है वो, तुम्हें दिखा दी होगी मैंने। आए हाय, सारा मूड खराब कर दिया। जो जापानीज़ में मैंने उनसे पूछा था ना कि क्या तुम मेरी एक फोटो खींच दोगे, ये डायलॉग मैं घर से रट के आया था। ये देखो मेरे को एक और नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, संसार नाम है इसका। वो देखो वहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है डाइसो, यहाँ पे ना 100 येन का सामान मिलता है। अभी मेरे जूते आवाज़ कर रहे हैं, वो बच्चों की तरह पुछ 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 पुछ। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो अराउंड ही होता है, वैसे तो 200-300 की भी मिल सकती है। पर वो ये क्या है, ये वो है सिग्नेचर करने के लिए, यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, वो पेन से नहीं करते, यहाँ पे ऐसे ठप्पे मारते हैं। ये देखो लॉलीपॉप्स, इसका नाम है चुपा चुप्स। हे शिनचैन पिकाचू। मेरा जोक बनाने का बहुत मन हो रहा है। पता है यहाँ के जो ये है ना दुकानदार, इनकी इतनी आदत हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गेट, अभी क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉनिक गेट से ना साइड से कोई गया, बस रास्ते पे जा रहा था वो, तो वो गेट खुला, उनकी अपने आप मुंह से निकल जाती है रशाई मसे, इनके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है। इतनी हैबिट हो गई है बोल बोल के, लाइक लिटरली जो भी आ रहा है उसे सामान खरीदना है नहीं खरीदना डजंट मैटर। ये तो इनकी ये कॉल आउट्स ना ये प्रोसीजर में आ गए हैं कि करना ही करना है भाई, नहीं करा तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। पजल किसने पूरी नहीं करी ये, जहाँ जहाँ ग्रीनरी दिखेगी वहाँ वहाँ मेरा कैमरा चालू होगा। कितना अच्छा लग रहा भाई ये। अबे क्या सही चढ़ाई सी बना रखी है भाई कितना सही लग रहा है। यह है जापान का पेट्रोल पंप। अपने यहाँ तो भाई ग्रीन पे भी क्रॉस करो तब भी चारों ओर देखना पड़ता है, कौन कहाँ से ठोक दे कुछ नहीं पता यहाँ पे एटलीस्ट डर नहीं है उतना। ये देखो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और उन्होंने पूरा ये चादर सी डाल के कवर किया हुआ है, लाइक धूल तक नहीं जाती होगी दूसरों के घरों में। अरे गिल्ला पड़ा परियो, मैं भी यार बावड़ाई हूं। भाई अगर मेरा घर यहाँ आसपास होता मैं तो रोज आता शाम को अपने यहाँ बैठो। ओए ये मेरे को वो वाली वाइब दे रहा है, वो कौन सी मूवी है, गार्डन ऑफ द वर्ड्स। बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। भाई ये चीजें तो मेरे को बहुत पसंद है। ये शॉट्स दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं पर जिस हिसाब से शूट होते हैं ना बहुत स्टूपिड फील होता है। कहाँ हूँ मैं मुझे नहीं पता पर भाई आई एम लविंग इट। अब प्लेग्राउंड है तो बाड़क वाड़क खेलते होंगे यहाँ। गलत ही गार्डन्स में घुसने लग रहा हूँ मैं, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग। कैमरा में ना ये चीज़ों का पता नहीं चलता पर भाई बहुत अच्छा लगता है रियल लाइफ में, जो खुशबू और ये सब ना बहुत अच्छा लगता है। हर जगह तो श्राइन्स हैं यहाँ पे, ये डॉगीज लगे रहते हैं हर श्राइन के उस पे। भाई तुम हाथ देखो यार कितना, मैं तुम सबसे गोरा हो गया एक ही बारी में। ये चले हम नीचे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि ये मेन चीज़ें नहीं है, ये तो वैसे ही गांव में बना हुआ गार्डन है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा भाई। वो जापनीज वाइब्स मिल रही है मेरे को हर जगह जिसके लिए मैं आया हूँ। चित्रों से तो मिल लिए भाई, सामने आ रहा है छोटा सा दिख रहा है रेड कलर में। इंडिया में साथ में रहते हैं, कभी नहीं सोचा था इंडिया से इतनी दूर बाहर आके मिलेंगे। अबे तू तो जापानी बना हुआ है पूरा, ये क्या है ड्रैगन व्रैगन, ये क्या हुलिया बना रखा है भाई। ये मोची वाला हथौड़ा दिख गया मेरे को, तो कुछ ट्राई करने वाले हैं। अबे इतने सारे कॉइन्स हो रखे हैं मेरे पास, बहुत सारे कॉइन्स, मैंने तो ये सारे उड़ा दिए श्राइन वराइन में इधर उधर बत्ती वत्ती लेने में। जो यहाँ की लेडी है ना उसे लिटरली कुछ भी इंग्लिश नहीं आती भाई, वो पेपर दिखा रही है लिटरली हमें।
भाई वो जापानीज में बुला रही है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कब हमारा नंबर आ गया। क्या चीज़ है ये? ओह मिर्ची, ये काउंटिंग्स है देखो अब मेरे पास। समझा, हाँ काउंटिंग्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई वो 007 है तो नाना बोलेगी है नाना क्यू। हाँ यही है, काउंटिंग्स वगैरह तो आती है मेरे को। जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में बैठा हूँ सब में बहुत धीमे से बात कर रहा हूँ। अभी अभी साइड में कोई ये है ना अपना, अपने जैसा इंडियन तो वही है, तेज निकल रही है आवाज़। ये है उदोन, ये है कोरियन समथिंग जिसने ऑर्डर किया है, ये हमारी सफोरो बियर। ये सीनेरियो लग रहा है मैं जापान में बैठ के खाना खा रहा हूँ। मैं अल्कोहलिक तो हूँ नहीं, ओकेजनल पी लेता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह हूँ ऐसे तो पी लेता हूँ। जापान आके भी और लेनी है चॉपस्टिक है तो सही। ला भाई जापान आया और चॉपस्टिक से खाना नहीं सीखा अभी तक। टेम्पेरा ये जो फ्राइड वाला था ना बढ़िया है वो भाई, बहुत है। बहुत बढ़िया ये तो है। KFC वाइब आ रही है थोड़ा सा। बियर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है पर ये बाद में मूड खराब हो गया। ओके भाई चॉपस्टिक ऐसे तोड़ते हैं। ला भाई और जिम करना पड़ेगा, ये तो चिपकी पड़ी गंदी। ये है मेरा उदोन। मैंने सुबह जो ब्रेकफास्ट में पास्ता खाया था ना सेम भाई है। ये लास्ट अबेला है। कैसा अजीब सा लग रहा है मेरे को। मैं नहीं पी रहा, मूड खराब हो जाएगा भाई। स्मॉल लिखा हुआ था उसमें इसलिए ले ली मैंने, मैं कहा इतना सा दे देंगे वो छोटा सा टेस्ट करने के लिए। ना भाई ये पूरी दे दी भाई। उदोन खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया बल्कि, वो भाई नूडल्स बहुत ज़्यादा थिक थे। कह रहे हो कि जाने का प्लान है? कौन सा गाना गाएंगे भाई हम लोग? Eminem। कराओके ऊपर लिखा है कराओके। एंट्री कहाँ है इसके ऊपर? ये एंट्री पुश, लेट्स गो। ओ सिर्फ पुश करना था, ऐसे खुला जापानी स्टाइल में, नाम बोलना पड़ता और कुछ नहीं। हाय हाय वन आर दो माइक दे दिए हमें और थर्ड फ्लोर पे जाने को बोला है शायद। जापानीज में बोला है कुछ समझ नहीं आया मेरे को। बहुत तेज बोला वो समझ में आ गया वही। उसमें लिखा हुआ है 304। अरे ये देखो भाई गेमिंग रूम। हेलो ये बड़ा सा टीवी। अबे जापानीज में होगा यहाँ तो सब कुछ। हाय अरे सॉन्ग लिटरली सर्च कर सकते हैं। Eminem रुको जरा ट्राई मारते हैं। अरे Eminem नहीं है। अरे Eminem बेइज्जती हो रही है तेरी, क्या कर रहा है तू? आई थिंक रैप गॉड डालूंगा ना तो आ जाएगा। रैप गॉड आता है आपको? अरे देख अबे रेप मी, ये देखो कैसे कैसे सॉन्ग, ये क्या कर रहा है ये निर्वाणा, क्या कर रही है तू? हम बेबी ट्राई करेंगे जस्टिन बीबर का हैगा? हाँ? नहीं ब्रांडी नाम से है तो। अरे जस्टिन बीबर कितने बेबी हैं, सबने बेबी बना रखे हैं। जस्टिन बीबर ये रहा हैगा। क्या ये भाई रिक्वेस्ट? ओ, 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 चला ओ, कुछ तो ओ, हुआ, कुछ तो हुआ। कैसे माइक ओ चल गया, चल गया। हेलो ओ यू नो यू लव मी आई नो यू केयर दुनिया भर का शोर बचा रहे हम, गेट अपने बंद किया नहीं है। देखो हमारी हरकतें। देखो अभी क्लिप दिखेगा, दुनिया भर का शोर शार मचा लिया हमने। कितना मजा आया भाई, अभी फाइनली एक घंटा खत्म हो गया। डैम यहाँ पे आके बेस्ट एक्सपीरियंस भाई। कह रहे हो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया? मैंने भी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। टाइम ट्राई किया था। टोकरी लेके चलते हैं भैया। ये देखो भाई कराओके ऐसे दिखता है थोड़ा सा, बिल्कुल एनीमे में अगर तुमने कभी देखा हो तो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, बहुत फन। सही आ गए हम? नहीं आना तो था ही खैर, लेकिन अकेले मजा नहीं आता। सही था ये रचित था मेरे साथ, अकेले में ना वो फन नहीं आता बिल्कुल भी। लाइक साथ में तुम एंजॉय कर रहे हो, साथ में पागलों की तरह हंस रहे हो, गाने वाने गा रहे हो, स्टूपिड से गानों को खराब कर रहे हो, उसकी वाइब ही अलग है। बहुत मजा आया भाई। अरिगातो गोज़ाइमास। जापान का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस लेके आए हैं अभी। ओए हाँ हम ये गोरिल्ला वाली बिल्डिंग के यहाँ बगल में ही थे, मजा आया। बस वो माइक थोड़ा सा और सुरीला कर देता ना हमें तो थोड़ी बेइज्जती कम होती है। ऑटो ट्यून वगैरह डाल देता तो ठीक था, उसने सिर्फ रिवर्ब डाला हुआ था थोड़ा सा, पर मजा आया स्टिल।
शिंजुकू गर्ल्स कलेक्शन। भाई कहाँ ले आया भाई तू ये रचित भाई, क्या है ये है? ये देखो भाई कहाँ कहाँ घुमा रहा है, मेरी तो गलती भी नहीं है, मैं तो लेके नहीं आया है, प्रॉमिस, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। देखो भाई ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है, ये उनको खुद लेके आया, यही रहते हैं लेके क्या आया, मैंने बोला था गली दिख रही है चलते हैं, बोले ये गली बहुत सुंदर लग रही है, भाई हम बहुत चिल्ला रहे हैं। भाई देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, वो तो सही है जापानी लोगों को हिंदी नहीं आती। देखो गर्ल्स लाउंज, ये तुम ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड दिख रहा तुम्हें, ये क्या बोर्ड है? स्पेशल पैक हेलो बाहर है, ठीक है, बिकनी गर्ल्स स्पेशल पैक चलना है क्या, हम जा सकते हैं टूरिस्ट भाई, हम चलते हैं, मैं तो उन्होंने ज्यादा नहीं, 3000 येन का है क्या, 3000 येन का है क्या, व्लॉग में नहीं आएगा ये, रहने दो, भूल जाओ, क्या सोच रहे हो तुम, एंजॉय करना है। सारे पोस्टर्स ऐसे ही मिलेंगे गर्ल्स रिलेटेड, एक दो रेस्टोरेंट दिख जाते हैं, क्योंकि जो हैवान होते हैं उन्हें भूख भी तो लगती है, इसलिए रेस्टोरेंट्स भी ज़रूरी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट मेट्रोपोलियन बिल्डिंग, कुछ है यहाँ पे वो फ्री है तो हम ऊपर जा सकते हैं उसके, और जो मैं स्काई ट्री गया था ना बिल्कुल वैसा ही व्यू मिलता है, तो कंपेयर कर सकते हैं लाइक कैसा है। ऑल राइट गाइज, ये है वो बिल्डिंग, ये बिल्कुल स्काई ट्री के अल्टरनेटिव है, लाइक फ्री है, और ये इस पर ऊपर जाके बढ़िया टोक्यो का व्यू मिलेगा। अगर हम ऐसे ऊपर देखें तो ऐसा लगता है कितने छोटे इंसान हैं, लाइक हैं ऑब्वियसली बिल्डिंग्स से तो छोटे ही हैं, पर वैसे कि दुनिया अचानक से कितनी बड़ी हो गई, जायंट हो गए सारे, और मैं छोटे डब्बों के बीच में हूँ। भाई यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग ही नहीं है, अब हमें यहाँ से सामने जाना पड़ेगा, फिर उधर जाके फिर उधर से ऐसे आना पड़ेगा। देख रहे हो तुम्हारा भाई कैसा जापानीज में बातें कर रहा है, चलो भाई इंग्लिश वाली मैडम ने बता दिया, हम ऑब्जर्वेटरी एलिवेटर हमने देखा ही ऊपर लिखा था, हम ना ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, हम इधर उधर पढ़ते नहीं है क्या लिखा हुआ है, सीधा ह्यूमन से जाके पूछना है। यहाँ पे मास्क कंपलसरी कर रखा भाई, बोल रहे पहनो वरना भागो यहाँ से, ना इसको चलते हैं अरे या तो मास्क, भाई इतनी बार थैंक यू, इतनी बार सॉरी, क्या ही लगा रखा है। अभी सही है मैं रात को नहीं आया यहाँ, क्योंकि फिर सेम ही वाइब आती है, और ये भी अच्छा है, व्हाट द फक भाई, ब्रो इट्स बेटर देन जो हमने स्काई ट्री पे दिया था, यार स्काई ट्री पे पैसे दिए थे, ये फ्री है, ये व्यू फ्री मिल रहा है, आई मीन पर वही है ना, तुम अगर आओगे यहाँ पे तो सारी चीजें देखोगे तो सही। भाई ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया बना रखे ये भी, और स्पेस बहुत ज्यादा है, लाइक यहाँ पे ना भीड़ भाड़ नहीं है वैसी। भाई रॉल्स रॉयल्स खड़ी है वहाँ, मैं मिनी कूपर को देख के बोल रहा, ये देखो पीछे वो खड़ी है, उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई अभी हम यहाँ पे आए हैं करी हाउस कोको, ये जापान में भी एक राइस करी इनकी अपनी फेमस है, तो ट्राई देने वाले हैं ज़रा। वन पीस फैंस मांगा रखे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा टेस्ट हमारी करी या इनकी, आयुष को टेस्ट करेगा, हाउ इज इट फर्स्ट रिएक्शन इंडियन और ये, ओबे थोड़ा अपना वाला वाइब दे रहा है, है? हाँ टेस्ट वैसा सही है, और अच्छा है टेस्ट, अच्छा है, अजीब है, काफी मीठा है, अरे वो नहीं, ये तो नहीं लग रहा मेरे को, मीठा तो नहीं लग रहा यार, ऐसा लग रहा खाई हुई है हमने ये सब्जी घर पे, खाई हुई है ना, है ना, मेरे को फर्स्ट समझ ऊपर की है ना, ये मेरे को राजमा चावल से राजमा की ज्यादा वो टेस्ट आ रही है ना, वही जितना अजीब खाना और आलतू फालतू का खाना हमने अभी तक खाया नहीं, सबसे नॉर्मल खाना है ये। We trust you. शिवया जा रहे थे ना, शिवया जा रहे हैं भाई, देखो देखो भाई, हम तो लिटरली वॉकिंग एडवेंचर कर रहे हैं, हाईवे पे ही निकल पड़े, पता नहीं कहाँ आ गए हम, ये वॉकिंग पाथ पे, ये स्ट्रीट भी अच्छी लग रही है भाई, काफी शाइनी, अरे वाह भाई कहाँ पे आ गए हम, ये इकेदुसाई स्ट्रीट, ताकेशीता स्ट्रीट, हाँ ताकेशीता ये बोल रहा हूँ, पर ये काफी कलरफुल लग रही है भाई, अंदर से बहुत अच्छी है, चलते हैं फिर।
भाई रात हो गई है, ठंड बहुत गंदी हो रही है, हाथ भाई फिर से सुकड़ने लगे हैं ठंड की वजह से। शिबुया क्रॉसिंग के पास आ गए हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ देख के ही चला जाऊँ, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। और देखो जरा स्ट्रीट, ये चीज़ कितनी सही लग रही है भाई, अब गर्म है। शिबुया स्काई, तो भाई टाइमिंग अपनी जच नहीं रही, थक चुके हैं, एक घंटे बाद बोल रहे हैं आने के लिए, अगर टिकट ले लेते हैं हम तो हम जा रहे हैं वापस नीचे। ये है भाई शिबुया क्रॉसिंग, देखो इतने सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, ये वर्ल्ड की बिजीएस्ट क्रॉसिंग मानी जाती है, बहुत बड़ी है क्योंकि, और वेल भीड़ भीड़ दिखती है तुम्हें। क्रॉस कर रहे हैं भाई, ये देखो उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। खड़े रहूंगा ना तो देखना कितना क्या होता है। इन भाई साहब को क्या चुल है भाई, एंजॉय कर रहा है बंदा, देखो भाई शिबुया घूम लिए, चार चक्कर मार लिए क्रॉसिंग के, बस बहुत है, स्टेशन जा रहे हैं बस। 2 hours later आज भाई बहुत चला मैं, थक के चूर चूर हो जाना जिसे बोलते हैं ना, वो हो गया है। पैर गोरे चिट्टे दिख रहे होंगे लेकिन हालत खराब हो रखी है, दर्द हो रहा है एक एक उंगली में। 8 बजे तक मैं घर आ गया एंड इट्स गुड बिकॉज कल मेरे को माउंट फूजी निकलना है, उसके लिए मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा, ट्रेन जल्दी पकड़नी पड़ेगी, 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से मेरे होटल से, और मुझे जल्दी वापस भी आना है वरना ट्रेन बंद हो जाएंगी तो मैं फंस जाऊंगा वहाँ। तो यार ये था मेरा day 2 इन जापान, और 2 दिन में ही मैंने इतना कुछ देख लिया, अभी तो भाई और काफ़ी दिन पड़े हैं, सो लेट्स सी आगे के दिनों में मैं क्या देखने वाला हूँ। और लाइक मारो अगर व्लॉग एंजॉय करा है तो। अरे भाई बहुत च्युइंगम है यार पूरा, ये तो पूरा च्युइंगम है, चिपचिपा बहुत है ये। जॉलाइन बन गई क्या मेरी?